लगातार हम आपको पब्लिक सर्वे दिखा रहे हैं। हमारे साथ आज जुड़ रही हैं अमरजीत कौर जी, जो काफ़ी लंबे समय से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंदसा को जानती हैं। इनसे सवाल करते हैं कि असली सच क्या है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंदसा का। नमस्कार अमरजीत जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। कितने समय से जानते हैं? 28 साल से। आपका पूरा परिवार आता है? पूरा परिवार 28 साल से जहाँ पे आ रहा है। हमारे दोनों बच्चे शास्त्र राम जी स्कूल में पढ़े हैं और हम पिताजी की वजह से ही आप आज हमारा परिवार चल रहा है। माहौल कैसा है डेरा सच्चा सौदागर? बहुत अच्छा है। मेरी बेटी भी जहाँ पे पढ़ी है और हम भी यहाँ से, कोई मतलब ऐसी बात नहीं है भी लेडीज अलग है जेंट्स अलग है। हम इतना मतलब हमें सुकून मिलता है भी, ज़्यादा सेफ मानते हैं हम डेरे से। सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंदसा का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है? बहुत अच्छा स्वभाव, बहुत अच्छा, और दुनिया की भलाई करना बहुत ज़्यादा उन्होंने भलाई किया हमारा। जो आज हम, मैं बोल रही हूँ खास करके, मेरे पति बहुत शराब पीते थे, आज हम उनकी वजह से, मेरे दोनों बच्चे कनेडा, मेरा परिवार बहुत बढ़िया, आज मैं हम जीवित हैं तो पिताजी की वजह से हैं। अब आपके घर में कोई शराब, कोई नशा नहीं? हमारे घर में कोई नशा नहीं है। हमने 2 शादियाँ की, कोई नशा नहीं, मतलब हमने शादी पे भी नशा नहीं लाया और हम घर पे भी नहीं करते। यहाँ भी हमारे बच्चे हैं, अब कनेडा में यहाँ भी कुछ होता है ऐसा, हमारे बच्चे वहाँ पे नहीं जाते। मैम, जो दूसरी तरफ सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंदसा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या लगता है आपको? इनको जो मतलब इतने कार्य भलाई के काम होते थे, मतलब जो भी इतना नशा छूटा है, हमें तो ऐसे ही लगता है भी उसकी वजह से पिताजी को बदनाम किया जाता है। संत जी ने ऐसा क्या किया? संत जी ने मतलब बहुत कुछ किया समाज के लिए, इतने कार्य भलाई के काम किए बहुत ज़्यादा कि कितने परिवार मतलब टूटते टूटते बच गए, कितने हमारे, मैं तो अपने आप ही लेके आती हूँ भी, हमारे जैसे कितने परिवार हैं जिनके घरों में सुख शांति है आज और उनके परिवार चल रहे हैं। 4 सालों से नहीं है अब संत जी समाज में, क्या परवाह हमें आपको लगता है? बहुत मुश्किल है, मतलब हम बोल नहीं सकते। जरूरत है मैम, अब बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत? क्योंकि अब समाज इतना गर्क चुका है कि मतलब उनको बहुत ज़्यादा जरूरत है समाज भलाई के कामों की, नशे की। वैसे भी हर एक तरफ से मतलब कोई प्रेम नहीं है किसी में, कुछ भी नहीं है हमारे, मतलब एक परिवार भी नहीं चल रहा सही मायने में। क्या अपील करोगे, क्या मांग करोगे? हम ऐसी अपील करते हैं कि पिताजी पर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनको मतलब उनके ब्लेम हटा के उनको रिहा किया जाए, मतलब हमारी यही मांग है सरकार से भी, उनकी तरफ से जो सच्चाई है उसको लाया जाए। मीडिया में तो ये भी दिखाया जा रहा था कि यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं, डेरा सच्चा सौदा अनपढ़ बोला जा रहा था। वैसे ही लगता है कि क्यों कि जो भी, जब भी हम जहाँ पे आते हैं हम बहुत ज़्यादा सिंपल आते हैं। मैं हेड टीचर रिटायर हुई हूँ, हमारा सारा परिवार पढ़ा लिखा, मेरे दोनों बच्चे इंजीनियर हैं और मेरे हस्बैंड भी इंजीनियर रिटायर हुए हैं, SDO सी मतलब रिटायर हाँ, असी दोनों जी रिटायर हाँ, मुलाजम असी, मतलब सब पढ़े लिखे आते हैं। बस इतना है भी हम बहुत दिखावा नहीं करते ज़्यादा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी, ये है असली सच डेरा सच्चा सौदा वे सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंदसा का। ये करारा तमाचा मार रही है उन हेडलाइंस को जो डेरा सच्चा सौदा के बारे में दिखाई जा रही थी। इनका कहना है कि खुद वेल एजुकेटेड फैमिली है, ये खुद हेडमास्टर थी, रिटायर हुए हैं, इनके हस्बैंड भी इंजीनियर थे और इनके बच्चे भी इंजीनियर हैं। आप लोग सोचिए फिर आखिर क्यों एक संस्था को इस तरीके से बदनाम किया गया, जबकि वहाँ जाने वाले लोग जो एक दो नहीं 30-30 सालों 20-20 सालों से डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आ रहे हैं और आज भी ये चट्टान की तरह खड़े हैं और अपील कर रहे हैं कि झूठे आरोपों को हटाकर संत जी को समाज में लाना चाहिए, क्योंकि समाज में उनकी सख्त ज़रूरत है, उनकी सख्त मांग है। जिस तरीके से लोगों का मानना है कि समाज में नशा बढ़ रहा है, आप भी सोचिएगा, आप भी अपनी राय जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।